नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लेके आए हैं एक्सक्लूसिवली आप सबके लिए रिफर्बिश मोबाइल कूलपैड नोट 3 लाइट का रिव्यू। दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया ही था कि आजकल बहुत सारी साइट्स पे रिफर्बिश मोबाइल एक्चुअल प्राइस से काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं, जिनको रिफर्बिश मोबाइल या अनबॉक्स मोबाइल कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारा रिफर्बिश मोबाइल कॉन्सेप्ट का वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी आपके स्क्रीन के टॉप कॉर्नर के ऊपर आई लोगो को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि आपको रिफर्बिश मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जैसे ही पैकिंग ओपन की, हमने अंदर से निकला है कूलपैड नोट 3 लाइट का बॉक्स जो कि ऑलरेडी ओपन था, लेकिन इसे फिर से सील्ड किया गया है एक्सट्रॉन रिफर्बिश नाम की कंपनी होगी शायद, जिसने इसे रिफर्बिश करके फिर से सेल के लिए लाया है। और ये दो तरफ इसकी सील लगी हुई है एक्सट्रॉन रिफर्बिश की, और इसके बारकोड के ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया है कि रिफर्बिश मोबाइल है ये, और शैम्पियन वाइट कलर का ये मोबाइल है, और इसके बारकोड के ऊपर स्पेशली लिखा हुआ रिफर्बिश कूलपैड नोट 3 लाइट का मोबाइल है, यानी कि पता चल जाता है कि हाँ इसकी थोड़ी सी कंडीशन बॉक्स की कुछ पुरानी जैसे हो रही है, और उसे फिर से इन्होंने फिल्म पॉलिथीन के साथ अच्छे से पैक कर दिया है। तो हम ओपन करते हैं और देखते हैं अंदर का कंटेंट कैसा है और किस कंडीशन में है, क्योंकि ये रिफर्बिश है, ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी सील्स को हम कट कर देते हैं जो कि रिफर्बिश वालों ने लगा रखी है, और अब हम कहते हैं जो हमेशा कहते हैं, खुल जा सिम सिम। ये जब हम बॉक्स पैक को ओपन करते हैं, सबसे पहली चीज हमारे सामने जो आती है, अगर हम देखें तो रिफर्बिश लग नहीं रहा है, ये लगभग एकदम न्यू जैसा ही लग रहा है, कोई भी स्क्रैचेस वगैरह हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, और फिनिशिंग बिल्कुल न्यू की न्यू है। कूलपैड की क्विक स्टार्ट गाइड और कूलपैड की वारंटी कार्ड है इसके अंदर यूएसपी, यही फर्क है जो रिफर्बिश मोबाइल को और नॉर्मल न्यू मोबाइल को हम कह सकते हैं कि जो एक्सेसरी है वो खुली हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे यूज किया गया है पहले, तो ये रिफर्बिश में इतना सा फर्क मुझे दिखाया सबसे पहले। और ये मिला है हमें ईयरफोन, एक नॉर्मल क्वालिटी का स्टैंडर्ड ईयरफोन है ये भी पैक नहीं है। चार्जर 5 वोल्ट 1000 mAh का है। दोस्तों सेट के ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। मोबाइल के फ्रंट में है एक 5 इंच की फुल HD डिस्प्ले और 5 मेगापिक्सल का कैमरा, एयरपीस और सम सेंसर्स हैं, और नीचे इसके टच कैपेसिटिव बटन्स हैं। राइट हैंड साइड में पावर ऑन की है, पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर और एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा, सिंगल LED लाइट, माइक्रोफोन, 3.5mm का जैक है टॉप के ऊपर, और बॉटम के अंदर है इसमें एक प्राइमरी माइक्रोफोन विद USB चार्जिंग पोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड में है वॉल्यूम रॉकर्स, बैक में एक स्पीकर आउटलेट है यहाँ पे। दोस्तों ये सेट ड्यूल सिम को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर आप 64GB तक microSD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको फटाफट से बूट अप कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम ऑन कर लेते हैं स्विच ऑन। हमने इसके सिम स्लॉट्स में सिम डाल दिए हैं और मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर दिया है, तो एक बार देख लेते हैं इसकी सेटअप। और ये फर्स्ट टाइम के लिए बूट अप हो चुका है, देख लीजिए। तीन GB रैम के साथ आता है सिस्टम की, इसमें 292 MB रैम है और एप्स ने 236 MB रैम ले रखी है। अभी तक हमने कोई भी एप्स इंस्टॉल नहीं किया है। फ्री रैम जो बता रहा है 2.3 GB ऑफ रैम है। तो दोस्तों ये था रिफर्बिश कूलपैड नोट 3 लाइट का रिव्यू जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था और आपको करके दिखाया है। हमें तो कुछ खास फर्क नहीं दिखा है न्यू फोन में और रिफर्बिश फोन में, लग रहा है कि सेट जैसे टच हुआ हो, किसी ने चलाया हो, तो एक्सेसरीज हैं वो कुछ थोड़ी सी ओपन कंडीशन में मिली है, अदरवाइज ये नेक्स्ट टू न्यू है लगभग।
अगर कुछ पैसे बचते हैं और हमें 6 महीने की वारंटी भी मिल रही है, 10 दिन का हमें रिटर्न भी मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ को ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है मेरे हिसाब से। हमें ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट हो तो आप ज़रूर रिफर्बिश फ़ोन ले सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप रिफर्बिश मोबाइल लेने का अगर सोचें भी तो रिप्यूटेड ऑनलाइन साइट से ही लें, जो कि अच्छी रैंकिंग की हो, ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विस या इसकी रिटर्न या कोई और टेक्निकली फॉल्ट होने पे आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपके पैसे भी सिक्योर रह सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका मूड बने तो रिफर्बिश एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। कुछ पैसा बचता है तो अच्छा ही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिफर्बिश मोबाइल का रिव्यू पसंद आया होगा और आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा, जिसमें आपको पता चला होगा कि रिफर्बिश मोबाइल क्या होते हैं और वो न्यू से कैसे अलग होते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ब्लॉग संजीव टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।